कानपुर में फिल्म शूटिंग के दौरान वरुण धवन के चालान का मामला धूल पकड़ता जा रहा है। कानपुर में उनके प्रशंसक इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते आज पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर उन्होंने मांग की है जो भी कार्रवाई है वह उनकी टीम के खिलाफ की जाए, न कि वरुण धवन के खिलाफ। उनका नाम लेना निश्चित तौर पर उनके लिए आहत करने वाली बात है। कानपुर में फिल्म एक्टर वरुण धवन अपनी फिल्म बवाल की शूटिंग करने आए हुए थे। इस दौरान उनकी आनंद बाग में एक बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल हुई जिसमें बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। उनकी बाइक पर नंबर भी गलत था जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में चालान करने की कार्रवाई करने के लिए बात की जो कानपुर के वरुण धवन के फैंस को अच्छी ना लगी और आज पुलिस कमिश्नर के यहाँ हिंदू संगठन के माध्यम से वरुण धवन डिफेंस का एक समूह पुलिस कमिश्नर के यहाँ पहुँचा, उनसे निष्पक्ष रूप से जाँच करने की मांग भी की। फैंस का कहना है कि कानपुर में यदि कोई अतिथि के रूप में आया है तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। हम अतिथि देवोभवा की भावना के लोग हैं, यहाँ पर इस तरह के चालान काटना ठीक नहीं क्योंकि इसके अनुसार कानपुर की भी छवि खराब होगी। इस घटना के बाद दोबारा कोई भी फिल्म एक्टर्स यहाँ पर शूटिंग करने से गुरेज करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर ने जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 24 घंटे के अंदर DCP ट्रैफिक से रिपोर्ट मांगी है। देखिए इसके अंदर एक हिंदुत्व समन्वय समिति है जिसकी प्रदेश अध्यक्ष अलका मिश्रा जी और उनके साथ एक डेलीगेशन आया था। उनका ये कहना था, उनका व्यू था कि अभी जो वरुण धवन का जो चालान हुआ था और जो मोटरसाइकिल के अंदर गलत नंबर निकला था, चूंकि वो शूटिंग के परिप्रेक्ष्य में था तो उनको गलत तरीके से बदनाम किया गया या उनको गलत तरीके से ट्रॉल किया गया, तो उनका अनुरोध यह था कि इसकी जांच कराई जाए। तो मेरे द्वारा इसके अंदर SP ट्रैफिक को निर्देशित किया गया है कि चूंकि इसकी परमिशन ली गई थी, तो जिस व्यक्ति के द्वारा परमिशन ली गई, जिस व्यक्ति ने मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई शूटिंग के लिए, उसके खिलाफ उसको जांच कर ली जाए कौन है वो लोग और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यही उन्होंने अनुरोध किया था, तो मैंने SP ट्रैफिक को जांच दी है और विद इन 24 आवर्स इसकी जांच करा के हम इस पे लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये भाई आज आपने पुलिस कमिश्नर से मिलकर किस बात के किस मुद्दे को उठाया, कैसे करते हैं? पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात जो वरुण धवन जी अपनी एक मूवी की शूटिंग के लिए आए थे, बवाल मूवी की शूटिंग के दौरान बाइक चला रहे थे, उस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनका चालान कर दिया गया। इस संक्षेप में मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से बात की और उनको मैंने ये चीज़ आग्रह किया है कि जैसे कि बाइक चलाते समय उनका चालान कर दिया गया तो पुलिस मूवी में काफ़ी ऐसे सीन्स होते हैं जो काल्पनिक दृष्टि से देखे जाते हैं, तो क्या उन सभी पे होता है केस या FIR दर्ज की जाती है? ऐसा तो नहीं होता है। तो और सेकंड चीज़ ये भी था कि अगर कोई हमारे कानपुर जैसे मतलब हमारी औद्योगिक नगरी है ये, अगर यहाँ पर कोई गेस्ट आता है वो हमारे लिए गेस्ट ही थे, तो भारत की दृष्टि से देखते हैं तो अतिथि देवो भवो का एक तरीके से अपमान भी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैंने ध्यान में दिया, उनको बताया कि सर ये हमारे गेस्ट थे, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और परमिशन थी शूटिंग की उसके दौरान उनका चालान कर दिया गया। तो सर ने हमको बोला कि उनकी बाइक का नंबर गलत था, तो सर से हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर बाइक का नंबर गलत था और उस बाइक को धवन जी चला रहे थे, वरुण धवन जी चला रहे थे, तो उनको नहीं पता होगा, तो इस चीज़ पर जाँच करें और जो रियल में इस चीज़ का दोषी है उसको क्या कहते हैं सज़ा मिलनी चाहिए या जो भी उनका कानूनी प्रक्रिया है उस पर कार्य करें, और इस तरीके से किसी सुपरस्टार को हाईलाइट करके सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के जरिए उनकी छवि धूमिल ना करें। उनकी छवि तो धूमिल हो ही रही है, साथ में हमारे कानपुर प्रशासन और हमारे कानपुर नगर की भी छवि धूमिल हो रही है। आगे मैसेज क्या फॉरवर्ड पर पहुंच रहा होगा कि कानपुर में अगर कोई मतलब सुपरस्टार आता है या शूटिंग के लिए आता है, किसी भी चीज़ के लिए आता है, तो उस तरीके उसके साथ इस तरीके का मिसबिहेव भी होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कानपुर की छवि या हमारे समाज की छवि या हमारी भारतीय सभ्यता की छवि धूमिल हो। सर मैं आगे तक जाने की कोशिश करूँगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक भी मैं अपनी गुहार लेके जाऊंगी कि इस चीज में सुनवाई होनी चाहिए और इस चीज को काफी सही वे में लेना चाहिए। वरुण धवन की फैन हैं आप? जी हाँ, हम सभी वरुण धवन के प्रशंसक।